अरे मेरी कुकी भी आई है। बहुत जिद कर रही थी। अच्छा ही किया। ये कौन है? ये राजा अधिराज कनिष्क हैं। क्या करते हैं? ये राज करते थे। मतलब? मतलब जैसे मैं अपने घर का राजा हूँ, उसी तरह महाराज कनिष्क भी पाटलिपुत्र से खोतान तक राज करते थे। बहुत सवाल करती है, पिता को खाने दे। ठीक है, मैं छू सकती हूँ? हाँ हाँ छू। बाप रे, इतने बड़े जूते। महाराजा राज राजाधिराज देवे पुत्रशाही, कब तक नगर पर घेरा रखने का विचार है? जब तक विजय नहीं होती राजा मात्य। देव पुत्र महाराजा राजाधिराज नगर से दूत आया है, उसे यहीं ले आओ। देव पुत्र, शाही शाहनुशाही को मेरे स्वामी ने प्रणाम किया है, यदि आज्ञा हो तो दूत निवेदन करे। आज्ञा है। मेरे स्वामी का कहना है कि नगर की घेरेबंदी और आपकी उपस्थिति से प्रजा त्रस्त और पीड़ित क्यों रहे, इसलिए आपको जो भी चाहिए मेरे स्वामी देने के लिए तैयार हैं। अपने राजा से कहना कि वो आत्मसमर्पण के साथ 300,000 सोने की मोहरे दे, तब मैं उसे क्षमादान करूंगा। 300,000 स्वर्ण मुद्राएं? सम्राट, आप आज्ञा दीजिए, आपका एक एक सैनिक आत्माहुति दे देगा, पर अपनी मिट्टी का एक कण भी नहीं देगा। दूत सम्राट कनिष्क से जाकर बोलिए कि मेरे राज्य की संपदा का मूल्य 100,000 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं है, तो भला मैं 300,000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से दूंगा? मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। सम्राट, तुम्हारे सम्राट के पास 2 मूल्यवान रत्न है, वो दोनों रत्न मुझे दिए जाए, मैं उन दोनों का मूल्य 200,000 स्वर्ण मुद्राएं मान लूंगा। वे रत्न क्या है महाराजा राजाधिराज शाह? 1, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, 2, नव भिक्षु। महाराजा राजाधिराज शाह, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और नव भिक्षु, ये दोनों ही अमूल्य हैं, उन्हें मेरे स्वामी। भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, नव भिक्षु और राज्य। राजाधिराज, भिक्षा पात्र और नव भिक्षु का क्या करेंगे शाह? भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र
कभी खाली रहना चाहिए? नहीं शाह। किसी भी भिक्षु का पात्र खाली रहना चाहिए? नहीं शाह। तो शाहों को ये कौन याद दिलाएगा कि उनका पहला कर्तव्य इस धरती के प्रति ये है कि वो इसे खूब सींचें। अपने किसान, अपने सौदागर, अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखें कि किसी भी भिक्षुक का भिक्षा पात्र खाली ना रहे। मैं जैसे सूर्य और अग्नि की उपासना करता हूं, वैसे ही भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र की उपासना भी करूंगा। पर नौ भिक्षु क्यों शाह? राजा मात्य माथर, उन शाहों की तकदीर होती है जिनके पास महान दार्शनिक हो, कवि हो, शिल्पकार हो। शाहों के असली राज महामात्र और राजपुरुष ये दार्शनिक होते हैं जो शाहों को उनका धर्म याद दिलाते हैं। और बोधिसत्व, राजपुत्र, राज महामात्र और राजपुरुषों की सेवा स्वीकार नहीं करते? तुम मंत्री सभी को या तो शाहों की सेवा में या अपनी सेवा में चाहते हो। नव भिक्षु शाहों की सेवा में नहीं रहेगा, बल्कि शाहानुशाही नव भिक्षु की सेवा में रहेंगे। नव भिक्षु मेरे पास नहीं आएंगे, मैं नव भिक्षु के पास जाऊंगा। मेरा बेटा हुविष्क उनके पास जाएगा। माथर, अमात्य, राजा मात्य, राजपुत्र, राजपुरुष, ये सब लोक सेवक कहे जाते हैं, पर उनको वास्तव में भी होना चाहिए। पर शाह नौ भिक्षु को कैसे जानते हैं? माथर, मैं शाह हूं, मैं हजारों कानों से सुनता हूं और हजारों आंखों से देखता हूं। दर्द की वो आवाज भी सुनता हूं जो किसी के सीने में दब के रह जाती है। वो सच भी देखने की कोशिश करता हूं जो इन आंखों को दिखाई नहीं देता। उसे दूसरों की आंखों से देखना पड़ता है। राजन, जो मनुष्य को सच्ची राह दिखाता है वो संसार में हर जगह अमूल्य और अतुलनीय है। बुद्ध धर्म अगाध है और निर्वाण का सिद्धांत शाश्वत। संवेदनशील प्राणियों की रक्षा महानतम धर्म है। संसार धर्म अनेक चुनौतियां प्रस्तुत करता है, पर एक राजा होने के नाते तुम सिर्फ अपने राज्य का भला कर सकते हो। पर अब तुम बुद्ध धर्म का घोष कर पृथ्वी से समुद्र तक धर्म राजा बन सकते हो। भिक्षु मनुष्यता की रक्षा करता है। जिसका हृदय करुणा से भरा हो उसके लिए कोई स्थान दूर या पास नहीं। मैं चाहे यहां रहूं चाहे वहां रहूं, धर्म का ही घोष करूंगा। इसलिए तुम सिर्फ वो मत देखो जो तुम्हारी आंखों के सामने है, बल्कि ज्ञान की आंखों से मनुष्यता का भला देखो और मुझे शाह को सौंप दो। और भगवान का भिक्षा पात्र? शाह भिक्षा पात्र को नहीं, धर्म को पुरुषपुर ले जा रहा है। धर्म को अभी दूर दूर तक जाना है। शाहों का शाह बुद्ध का भिक्षा पात्र आदर से उठाएगा। ले जाने दो इसे शाह को। शुंग हो या सातवाहन, शक हो या कुषाण, सभी एक दूसरे से ले दे रहे हैं। क्षेत्रपाल शब्द शकों और पहलव शासन में क्षत्रप हो गया। महाक्षत्रप राजा के लिए और क्षत्रप उपराजा के लिए प्रयोग में लाया गया। वही महाक्षत्रप और क्षत्रप कुषाणों में क्षेत्रीय शासकों के लिए प्रयोग किया गया। पर मूल शब्द तो क्षत्र से ही है। क्षत्र से रक्षा करने वाला क्षत्रिय है। क्यों? अब शक शासन में कार्यकारी अधिकारी कर्म सचिव कहे जाते हैं, तो पहले कर्मांतिक था या सातवाहन में नवकर्मी। रक्षा अधिकारी शुंगो सातवाहन में नायक था। अब यहाँ शाहों के शासन में कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी दंडपाल है। शक शासन का वरिष्ठ रक्षा अधिकारी महादंड नायक था। वही कुषाणों में भी महादंड नायक ही है। ग्राम व्यवस्था पहले भी ग्रामणी या ग्रामिक देखते थे, अब शाहों के शासन काल में भी ग्रामीण भी ग्राम व्यवस्था देखते हैं।
ग्राम भोजक और ग्रामीण युक्त ग्रामणी की मदद करते हैं, पहले भी करते थे। ग्राम भोजक और ग्रामीण, मैंने पहले नहीं सुने। ग्राम भोजक गांव में भूमि का स्वामी होता है और ग्रामीण ग्राम की सभा का कर्मचारी। हाँ, पर शाह ग्राम पर ग्राम स्वामियों के जरिए नजर रखते हैं। ग्राम स्वामी क्षत्रप, राज्य के बड़े अधिकारियों को वेतन के बदले गांव दे दिए जाते हैं और छोटे अधिकारियों को नगद में वेतन देते हैं शाह। बाकी चाहे उत्तरापथ हो या दक्षिणापथ, राज्य को व्यवस्था के लिए जिले और प्रांत में बांटना पड़ता है। अब शाहों का जिला विषय कहलाता है और प्रांत भुक्ति। भुक्ति मां क्षत्रप चलाते हैं और विषय क्षत्रप। परिषद सभी शासनों में रही है, अब भी है, बस अब परिषद का सदस्य परिषद्यम कहा जाता है। आपको तो शाह के परिषद में होना चाहिए। मेरे पिताजी सौदागर थे तो मैं भी सौदागर बना। अगर वो राज सेवा में होते तो शायद मैं भी राज सेवा में होता। अब शाहों का तो पता नहीं, लेकिन शक शासन में राज सेवा एक परंपरागत धंधा था। परंपरागत धंधा? हाँ, लोगों की सेवा भी रोजगार ही है। अरे धीरे बोलो, कहीं कोई सुन न रहे। देवपुत्र शानुशाही से मिलना था, कावेरीपट्टनम से उनके लिए मोती ले आया। सुना है शाह मध्य देश की विजय यात्रा से भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और कोई बौद्ध भिक्षु ले आए। कौन है ये भिक्षु? सुना है पहले कोई उग्र तापस था। कौन है ये उग्र तापस जिसने बुद्ध के भिक्षुओं का जीना दुभर कर रखा है? प्रचंड सन्यासी है और धर्म का विरोधी। सन्यासी और धर्म का विरोधी? धम्म का, बुद्ध के धम्म का। धम्म का विरोध कोई कैसे कर सकता है? सिर फिरा है, विहार के बाहर खड़ा रहकर भिक्षुओं को चुनौती देता है कि वैदिक धर्म श्रेष्ठ है। मुन्नों, जिसने धम्म को पा लिया है मुझसे बात करे, वरना बुद्ध के वचन रटना बंद करे। उपासकों के घर के बाहर खड़ा रहकर श्रावकों को धमकी देता है कि घर में बुद्ध की उपासना और घंटा बजाना बंद करो। ये तो सहिष्णुता नहीं है, उसे कोई रोकता क्यों नहीं? अब एक सन्यासी का कोई क्या बिगाड़ सकता है? महावीर और बुद्ध को क्या कम चुनौतियां मिली थी? समय ही सभी प्रश्नों को सुलझा देता है और बड़ों बड़ों को जमीन पर ला देता है। अरे तुम सब तो ब्राह्मणों की तरह बात करने लगी। क्यों, महिलाओं को मूर्ख समझती हो तो? एक दिन में सीधा कर दे उस तापस को वाद में, पर वो महिलाओं से बात करेगा नहीं और हमारे ब्राह्मण पति उसे रोकेंगे नहीं। सन्यासी जो है, चिंता ना कर भगनी, 18 क्षौणी से जो ना हारा उसे मुट्ठी भर लोगों ने धूल चटा दी थी। किसको? अर्जुन को। प्रणाम स्वामी। इस रूप काया को भिक्षु पार्श्व कहते हैं। इस शरीर को उग्र तापस। आपकी तपस्या को नमन, पर यह भिक्षु आपसे वादान चाहता है। वाद में पराजित होने वाले को क्या दंड दिया जाए सन्यासी? हारने वाले की जीभ काट दी जाए। यह हिंसा होगी, जो हारे वो जीतने वाले का शिष्य हो जाए। स्वीकार है। पहला प्रश्न कौन करेगा? मैं आयु में तुमसे बड़ा हूं, तुमसे वाद करने के लिए दूर से आया हूं और सभा में वाद करने के लिए आसन भी मैंने पहले ग्रहण किया है, इसलिए पहला प्रश्न मुझे करना चाहिए। मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप जो भी कहेंगे मैं उसका खंडन करने वाला हूं, इसलिए आप पूछें।
इस संसार को शांति और दीर्घायु, प्रजापालक से युक्त, धन धान्य और आनंद से पूर्ण, सारे दुखों और आपदाओं से मुक्त संसार बनाना चाहिए। खंडन करिए स्वामी। उपसंपदा लेने के लिए तैयार हूं मंते। अब तुम नव भिक्षु हो। मेरा शास्त्र ज्ञान अगाध था, पर एक ही प्रश्न ने मुझे परास्त कर दिया। इस संसार को शांति और दीर्घायु, प्रजापालक से युक्त, धन धान्य और आनंद से पूर्ण, सारे दुखों और आपदाओं से मुक्त संसार बनाना चाहिए। क्या यही धर्म है शासक का? क्या यही धम्म है भिक्षु का? द्वैत है तो द्वंद्व है, अशांति है। अद्वैत है तो निर्द्वंद्व और शांति। संसार दुख मुक्त हो, आनंद से भरा हो, यही तो वेदों की भी अभिलाषा है, यही धम्म का मार्ग। एक ही सत्य के दो नाम हैं, धम्म और धर्म। मैंने हार कर धर्म को पा लिया, अब पार्श्व मेरे आचार्य और बुद्ध मेरे शास्ता। बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं। पर शाह ने नव भिक्षु को ही कैसे चुना? मथुरा में एक सौदागर के साथ बिहार में चला गया था, वहां मेरी मुलाकात नव भिक्षु के आचार्य भंते पार्श्व से हुई थी। मैं विजय के लिए निकला हूं भंते। तृष्णा, जो सभी दुखों का कारण है उस पर विजय पालो, विजय हो जाएगी। लौटते समय मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊं भंते? धम्म और कल्याण मित्र, ऐसा मित्र जो तुम्हें सदा कल्याण का मार्ग ही दिखाए। भिखु कल्याण मित्र होता है। आप मेरे साथ चलिए बदंत। चलता, पर जहां तुम जा रहे हो वहां मैं अपने से भी श्रेष्ठ को जानता हूं। कौन है वो? जो पहले धम्म का अनुयायी नहीं था, अब है नव भिक्षु। वो नव भिक्षु ही अश्वघोष है। अरे, नव भिक्षु अश्वघोष कब बन गए?
पुरुषपुर लौट आने पर भी माथर और दूसरे मंत्री मुझसे बार बार एक ही बात कहते हैं। भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं समझ में आता है शाह, परंतु 9 भिक्षु का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, मुझे तो कोई असाधारण सी बात नहीं दिखी उस भिक्षु में। बुद्ध के भिक्षा पात्र का कोई मूल्य दे सके, ऐसे किसी राजा ने जन्म लिया है संसार में माथर, फिर मेरी क्या औकात। शाह, हम सभी को और मुझे भी नवभिक्षु का मूल्य ठीक नहीं लगा। मुझे इस बात की खुशी है कि इतने दिनों बाद भी मेरे राजा मात्य राज्य की आय की चिंता करते हैं। क्यों ना उस नवभिक्षु की परीक्षा ली जाए। क्यों, कौन करेगा प्रश्न नवभिक्षु से। मैंने दूर और पास के भिन्न भिन्न पंथों के श्रमणों को बुलाया और नवभिक्षु से धम्म का उपदेश देने की प्रार्थना की। नवभिक्षु ने बुद्ध की कथा और धम्म का उपदेश दिया। सबका मन करुणा और मैत्री से भर गया, सब में धम्म जिज्ञासा जागी, पर माथर और मेरे मंत्री अभी भी संतुष्ट नहीं थे। इसलिए मैंने 7 घोड़े, जिन्हें मैंने 6 दिनों से भूखा रखा था, ऐसे घोड़ों के सामने सभा में नवभिक्षु को धम्म देशना देने को कहा। अश्वों को धम्म उपदेश? हाँ, घोड़ों को उपदेश पर नवभिक्षु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सभा में घोड़ों को बांधा गया। नवभिक्षु को अश्वों में भी वही समता दिखी जो वो मनुष्य में देखते थे। उन्होंने उसी करुणा और मैत्री भाव से अश्वों के सामने धम्म का उपदेश देना जारी रखा जो वो सभी को देते हैं। मेरे आदेश पर उन भूखे घोड़ों के सामने उनकी प्रिय प्लावन नाम की घास खाने के लिए रख दी गई, पर 6 दिन के भूखे घोड़ों ने एक क्षण के लिए भी उस घास की ओर नहीं देखा। सारी प्रकृति के लिए प्रेम, करुणा और मैत्री से भीगे मन ने घोड़ों के मन में भी स्पंदन उत्पन्न कर दिया। घोड़ों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरे मंत्रियों ने उसी क्षण नवभिक्षु के मूल्य को पहचाना जो राग विराग से परे मनुष्य और पशु सबका कल्याण मित्र है। मेरे मंत्रियों की आंखें भी छलकने लगी और उसी बोधि सत्व के लिए मेरे मन में एक शब्द गूंजा, अश्वघोष, जिसकी वाणी अश्व भी समझते हैं, जिसका घोष सुन अश्व भी करुणा से भर उठते हैं। मैंने उस नव भिक्षु को पुकारा, अश्वघोष, और उनके चरणों में गिर पड़ा। ना मैं सिक्कों में अच्छा दिखता हूं और ना ही शिल्पों में। सिक्कों में तो ठीक ठाक दिखने वाला आदमी भी भयानक लगने लगता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रूप पर तो मूर्ख ही मोहित होते हैं शाह। ब्राह्मण भी धम्म की भाषा बोलने लगे। उपनिषद भी आत्मा की अमरता की घोषणा करते हैं, रूप की नहीं शाह। मित्र का अंकन भी अच्छा है, पर ध्यान रखना कि शब्दों के अंकन में अशुद्धि नहीं रहे। माथर, मुझे हर सिक्के का वजन समान चाहिए, सोना शुद्ध। मुझे कोई भी मिलावट स्वीकार नहीं। कुषाण की स्वर्ण मुद्रा के मूल्य और शुद्धता पर किसी भी सौदागर और प्रजा को अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो रोम का हो या चीन का। हमारे सिक्के हमारी प्रतिष्ठा हैं। एक भी नकली सिक्का बाजार में चलता है तो प्रजा के विश्वास को चोट करता है। इसलिए गमजोर को सिक्कों की परीक्षा बार बार करने को कहो। शाह ने सोने का नया सिक्का जारी किया है, देखा है तुमने? मैं तो पुराने सिक्कों से ही काम चला रहा हूं। तो नया देख लो। मुख पर तो महाराज राजाधिराज कनिष्क का चित्र है, लेकिन पीछे किसका चित्र है? ऋग्वेद में वर्णन के अनुसार मित्र, और अवेस्ता में मित्र के तौर पर किया गया है। यानी भारतीय और पर्शिया के देवता। हाँ, ईमानदारी, मित्रता, अनुबंध और भेंट, मेल मिलाप के देवता। भारत बल्क से लेकर रोम देश तक
मित्र देवता अलग अलग रूपों और नामों में जाने जाते हैं। पर ये कौन सी भाषा है? बंक्टीरियन में मित्र लिखा है। शाहनुशाही भी कमाल है, स्वयं सूर्य और अग्नि के उपासक, भारतीय मूल के नहीं पर अपने सिक्कों पर भारतीय, ग्रीक, सुमेर, ईरान सभी मुल्कों के देवता सभी का बराबर आदर और सम्मान करते हैं। जिनके साम्राज्य में जिनकी प्रजा कई देवी देवताओं को मानने वाली हो और जिनका साम्राज्य पाटलिपुत्र, कश्मीर, श्री चंपा से लेकर खोतान, यारकंद, कासगढ़ तक फैला हुआ हो और जिनके सौदागर उत्तरापथ, दक्षिणापथ से लेकर रोम तक व्यापार करते हो, वो शाहों के शाह, सभी के देवताओं का आदर करने वाले और अपनी प्रजा का सम्मान करें, वो भारत में पला बड़ा हुआ शाह ही कर सकता है। शाह कनिष्क भारत में पैदा हुए हैं क्या? यही पुरुषपुर में। उनके पूर्वज बाहर से आए थे। शाह कनिष्क के पिता शाह विम के समय में उत्तरापथ और रेशम मार्ग पर चीन और रोम के बीच व्यापार का ऐसा विकास हुआ कि शाह विम कैडफिशेस ने अपने कुशाड़ साम्राज्य में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। रेशम मार्ग पर सुरक्षा और रखरखाव के कारण भारत बहुमूल्य रत्न, मोती, रेशम, मलमल, तरह तरह के वस्त्र, बर्तन, जड़ाऊ, सोने चांदी से जड़े हुए आभूषण, कढ़ाई किए हुए कालीन, कवच और हथियार, हाथी दांत, सुगंध, दवाइयां और मसाले चीन से पश्चिम में रोम तक निर्यात करता है और सोना, चांदी, बेशकीमती वस्तुएं, आसत और दास रोम से आयात करता है। शाहविम कैडफिसस के सिक्कों पर भी नंदी के साथ और नंदी के बिना शिव और त्रिशूल का अंकन मिलता है और बौद्ध के त्रिरत्न का भी। कुशाड़ हमेशा से सभी देवताओं का आदर करते रहे हैं। ग्रीक मनेंडर ने यहाँ आकर बुद्ध को अपना लिया, शको ने यहाँ आकर भारत को अपना लिया, लगभग भारतीय हो गए। शाह कनिष्क तो यहीं पैदा हुआ है और हम वैदिकों जैसे ही सूर्य और अग्नि के उपासक हैं। अब वे अश्वघोष को पुरुषपुर ले आए हैं तो कोई आश्चर्य नहीं कि वो भी प्रियदर्शी अशोक की राह पर चल दे। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहता है, ऐसा कोई दान नहीं जैसा धर्म का दान है। धर्म का परिचय, धर्म का समीभाग या धर्म का रिश्ता, वो ये है। दास और सेवकों के साथ उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों, ब्राह्मणों और श्रमण सन्यासियों को दान, प्राणियों की हिंसा ना करना, पिता, पुत्र, स्वामी, साथी, भाई, मित्र, सभी ये कहें ये अच्छा है, इसे करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो इहलोक की सिद्धि करता है और धर्म दान से अनंत पुण्य का भागी होता है। देवानाम प्रिय अशोक का यह शिलालेख यहां से लगभग 27 कोस की दूरी पर है। शाह, और ये लगभग 71 कोस की दूरी पर है। ऐसा ही आलेख गांधार में भी है। मैं वहां जाना चाहूंगा माथर। शाह, पुण्यवर्धन और साथ आए सौदागरों को लेकर आओ। शाहनुशाही को प्रणाम। स्वागत है श्रेष्ठी। कैसे हो मेरे श्रेष्ठी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। रोम से आ रहा हूं शाह। शाहनुशाही के सिक्के रोम के बाजारों में बरस रहे हैं। रेशम मार्ग अब शाहनुशाही का दूसरा नाम हो गया है। रास्ते तो सौदागर बनाते हैं, हम कुशाण तो सिर्फ पहरेदार हैं श्रेष्ठी। बेहतर और सुरक्षित रास्ते होंगे तो बेहतर व्यापार होगा, बेहतर व्यापार होगा तो बेहतर मुनाफा होगा, बेहतर मुनाफा होगा तो बेहतर कर मिलेगा। सम्राट और सौदागर दोनों समृद्ध होंगे, प्रजा का कोष बढ़ेगा। राजा, प्रजा और सौदागर समृद्ध होंगे तो कला, साहित्य, शिल्प का विकास होगा। इसलिए शाह कुजुल से लेकर मेरे पिता शाह दिम ने सबसे पहले उन्नति और विकास के रास्ते बनाए। इजाजत हो तो आपके कदमों में एक साधारण भेंट चढ़ाऊं? इजाजत है। और अब एक असाधारण भेंट जिसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता। मिलिंद प्रश्न शाहनुशाही,
ये तुम्हें कहाँ मिल गए? सोना खरीदना और बेचना आसान है शाहनुशाही, लेकिन इसे खरीदना बड़ा मुश्किल। बॉक्ट्रिया से ग्रीस जा रही थी, लेकिन मैंने जाने नहीं दिया। कहते हैं महाराज मिलिंद की अपनी पांडुलिपि है। क्या कीमत दी? शर्मिंदा ना करें शाहनुशाही। बंते, ये केश नागसेन है। नहीं महाराज, ये रोए नागसेन है। नहीं महाराज, ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, बड़ी आंत, पतली आंत, पेट, मल, पित्त, कफ, पीप, लोहू, पसीना, मेद, आंसू, चर्बी, लार, सिणक, लसीका, मस्तिष्क, मूत्र, नागसेन है। नहीं महाराज। क्या पढ़ रहे थे? मिलिंद प्रश्न। यह कौन सा प्रश्न है? भदंत नागसेन को ग्रीक राजा मिलिंद द्वारा पूछे गए धर्म संबंधी प्रश्न। देख रही हूं आपकी धर्म जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। धर्म है ही ऐसा, जो उसे जानने के रास्ते पर चल पड़ता है धार्मिक हो जाता है। महाराज मिलिंद ग्रीक थे, उन्होंने भी धम्म को अंगीकार कर लिया और अंत में भिक्षु बन गए। भारत को जीतने का स्वप्न देखने वाले भारत के हो गए। भारत में ग्रीक साम्राज्य में मिलिंद की अस्थियों पर स्तूप बने। आक्रांताओं की उत्तराधिकारी भी धर्म का स्पर्श पाप पूजे गए। ये है धम्म की ताकत। जिसने भी धर्म को जाना उसने तलवार रख दी, युद्ध घोष बंद कर दिया और धर्म घोष शुरू किया। फिर वो चाहे अशोक मौर्य हो या ग्रीक मिलिंद, झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि धर्म के लिए तलवार उठानी पड़ती है। धर्म तो तलवार फेंकना, तलवार छोड़ना सिखाता है। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि पुष्य मित्र ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। यदि ऐसा होता तो अशोक के साम्राज्य का एक स्तूप, एक शिलालेख, एक स्तंभ नहीं बचता। तलवार हमेशा सत्ता और सिंहासन के लिए उठी है। प्रिय, सही प्रश्न किया था बंते पार्श्व ने, बंते अश्वघोष से, कि संसार को शांति प्रिय, दुखों और अवसादों से मुक्त, धन धान्य से युक्त बनाना चाहिए। और वो तलवार से नहीं हो सकता, वो करुणा और मैत्री से ही हो सकता है। जो तलवार से लिखा जाए, हिंसा से फैलाया जाए, वो धर्म हो ही नहीं सकता। आपने भी अशोक और मिलिंद की तरह धम्म को अपना तो नहीं लिया? प्रिय, धम्म प्रकाश है, उसे अपनाना नहीं पड़ता। रोशनी रोकने के लिए पर्दे ना डालो तो उससे बच नहीं सकते। मैं कब धम्म का उपासक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मिलिंद प्रश्न मुझे नहीं सुनाएंगे? भंते, मैं अपने सिक्कों पर भगवान बुद्ध के रूप को अंकित करना चाहता हूं। राजन, तुम्हारे सिक्कों पर अंकित भारतीय, ग्रीक, फारसी या सुमेर के देवताओं की जगह अपना रूप उत्कीर्ण देखने की किसी बुद्ध की कामना नहीं हो सकती। क्यों करना चाहते हो तुम ये उपक्रम? बनते, इससे धर्म के सार की वृद्धि होगी। कनिष्क, धम्म मानने का नहीं है। क्या तुम कह सकते हो कि जो अपना अपना धर्म मानते हैं वे धार्मिक हैं? धर्म जानने का नहीं है। क्या तुम कह सकते हो कि जो धर्म को जानते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं, वे धार्मिक हैं? धम्म तो आचरण का है। जो धम्म को आचरण में लाता है वो धार्मिक है। भंते, प्रियदर्शी ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनवाकर भगवान की धर्म काया को पूरे साम्राज्य में फैलाया, ताकि उपासक भगवान की रूप काया और धम्म काया दोनों की उपासना कर सके। महाराज मिलिंद ने अपने सिक्कों पर धर्म चक्र भी खुदवाया और धर्मिकस भी लिखवाया। इससे दूर दूर के देशों को पता चला कि मिलिंद धम्म का उपासक है।
त्रिरत्न मेरे पूर्वज अंकित करते रहे हैं, पर मैं चाहता हूं मेरे सिक्कों पर बुद्ध भी हो, ताकि दूर दूर के देशों में रह रही मेरी प्रजा और रोम से लेकर दक्षिणा पथ के बाजार में जहां जहां मेरे सिक्के चलते हैं सभी को तथागत बुद्ध का ज्ञान हो। इससे धम्म जिज्ञासा बढ़ेगी भंते। कनिष्क, चक्र, पदचिन्ह, बोधि वृक्ष, सिंहासन जैसे प्रतीकों से बुद्ध को शिल्पों में अंकित किया गया है, पर बुद्ध के रूप को आज तक शिल्पों या सिक्कों में अंकित नहीं किया गया है। मैं जानता हूं भंते, इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं। उपनिषदों में भी मूर्तियों का कोई स्थान नहीं था, पर सनातन धर्म ने कर्म और ज्ञान मार्ग के साथ भक्ति का मार्ग भी ढूंढा और अपने अनुयायियों के लिए ईश्वर को मूर्तियों के रूप में अभिव्यक्त किया। मेरे अलग अलग राष्ट्रों की प्रजा आस्था भक्ति के कारण अपने अपने व्यक्तिगत देवताओं पर विश्वास करती है, उनकी मूर्तियां बनाती है। उसका एक भावनात्मक आकर्षण भी है और प्रार्थना करने के लिए उसके सामने अव्यक्त का एक व्यक्त रूप भी है। बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, वो निरंतर चलता रहे, इसके लिए हमें उसे गति देनी चाहिए। इसीलिए मैं अपनी प्रजा को भगवान बुद्ध का रूप देना चाहता हूं। ज्ञान शुष्क हो सकता है, पर भक्ति और पूजा रसमय होती है भंते। बौद्ध दर्शन विश्व के लिए नए कलेवर में पुरातन सत्य की नई व्याख्या मांगता है, क्योंकि अब धम्म का साम्राज्य सिर्फ भारत तक नहीं रहा, अब उसके अनुयायी ग्रीक साम्राज्य, चीन साम्राज्य, पर्शियन साम्राज्य में भी हैं। पूरा धम्म साहित्य पाली में है, क्यों हम संस्कृत जानने वाले पढ़ने वालों को उससे वंचित रख रहे हैं? बुद्ध की वाणी, त्रिपिटक क्या संस्कृत में नहीं हो सकते? क्या चीनी भाषा में उसका अनुवाद नहीं हो सकता? क्या बुद्ध और धम्म पर सिर्फ भारत का अधिकार है, विश्व का नहीं हो सकता? कनिष्क, इसकी अनुमति तुम्हें बौद्ध संगीति ही दे सकती है। इसके लिए तुम्हें चौथी बौद्ध संगीति बुलानी पड़ेगी। कश्मीर में श्रीनगरी के पास कुंडलवन संगीति के लिए हर तरह से उपयुक्त स्थान रहेगा। अगेसी लाओस, श्रीनगरी प्रियदर्शी अशोक की नगरी भी है। राजा धीराज, श्रीनगरी के पास ही एक पुर बसाओ। यह तुम्हारे नवकर्मिक विभाग के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। भिक्षुओं के लिए विहारों की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हुविष्क, बौद्ध संगीति की सारी व्यवस्था तुम करोगे। शानुशाही, इस पुर का क्या नाम रखें? कनिष्कपुर कैसा रहेगा शाह? यह बौद्ध संगीति क्या है, जिसमें पिता पुत्र और कपीश से लेकर पुरुषपुर तक के राजा माती व्यस्त हो गए हैं? हुविष्क, तुम ही अपनी मां को समझाओ। बौद्ध संघ में जब धम्म के किसी पक्ष पर मतभेद या वाद होता है या स्पष्टता चाहिए होती है तो श्रेष्ठ आचार्य और उपाध्यायों की एक महाबैठक बुलाई जाती है, इसे संगीति कहते हैं। ये चौथी संगीति होगी। तो पहली कब हुई थी? पहली संगीति महाराज अजात शत्रु के समय राजगृह में हुई थी, दूसरी संगीति महाराज काल अशोक के समय में वैशाली में, और तीसरी संगीति महाराज अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और चौथी संगीति महाराज कनिष्क के समय में कश्मीर में होगी। ताम्रलिप्ति से लेकर ताम्रपणि तक हर जगह आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। मैं महाराज अशोक के पुत्र की तरह अपने पुत्र को संघ में नहीं जाने दूंगी शाह। और कहीं तुम स्वयं ही चली गई तो? बनते पार्श की तरह एक ही प्रश्न में आपने माँ को निरुत्तर कर दिया। सुना, पूरे देश से माँ स्थिवर और श्रेष्ठ आचार्य कश्मीर में जमा हुए। चौथी संगीति थी ना? हाँ, पुरुषपुर के पास के बिहार के भिक्षु तो यही बता रहे थे। तो कोई बड़ी बात हुई? शाह पुरुषपुर लौट आए, अब जल्दी ही पता चल जाएगा। कुंडल वन में 500 भिक्षु एक साथ साम्राज्ञी भंते वसुमित्र अध्यक्ष, भंते अश्व घोष उपाध्यक्ष, संगीति में भंते पार्श, भंते नागार्जुन जैसे बौद्ध दर्शन के सूर्य। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा साम्राज्ञी कि अपने समय के महान दार्शनिकों के चरणों में बैठने का हम कुशाणों को अवसर मिला। कोई बड़ी उपलब्धि?
महा साम्राज्ञी। चतुर्थ संगीति ने धम्म उपासकों के लिए मूर्ति पूजा के द्वार खोल दिए। संगीति में धम्म का दो यानों में विभाजन हुआ, हीन यान और महायान। दोनों में अंतर होगा? हीन यान अपनी पुरानी परंपराओं का अनुसरण करेगा और मूर्ति पूजा नहीं करेगा, और महायान के अनुयायी बुद्ध के साकार रूप की पूजा कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे। बंते वसुमित्र ने त्रिपिटक पर संस्कृत में महाविभास नामक भाष्य के संकलन का दायित्व लिया। अब बुद्धवाणी सिर्फ पाली तक सीमित नहीं रह जाएगी, मैं बुद्ध वचन का अन्य भाषाओं में अनुवाद करवाऊंगा। भाषा धम्म के मार्ग में बाधा नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले आपको कभी इतना प्रसन्न नहीं देखा। हाँ साम्राज्ञी, धम्म ने मुझे एक राह दिखाई। ये संसार करुणा और मैत्री का हो, जिसमें हिंसा घृणा युद्ध के लिए कोई स्थान ना हो। उस दिशा में प्रियदर्शी अशोक ने कदम बढ़ाया था, आज मैंने भी बढ़ाया। प्रियदर्शी ने भगवान बुद्ध की अस्थियों पर 84,000 स्तूप बनवाए ताकि भारत धम्म को जान सके। मैं भगवान बुद्ध की मूर्ति पूरे साम्राज्य में लगाऊंगा ताकि भगवान को लोग देख सकें, करुणा मूर्ति को अपने भावों में महसूस कर सकें, उनकी अभ्यर्थना कर सकें। साम्राज्ञी, जैसे अशोक के धर्मलेख गुफाओं में, पहाड़ों, पत्थरों में, स्तंभ, नगरों और नदियों के किनारे खड़े हैं, वैसे ही अब संसार का कोई कोना नहीं होगा जहां बुद्ध नहीं होंगे, जहां धम्म नहीं होगा। वो उत्तरा पथ पर होंगे, दक्षिणा पथ पर होंगे, रेशम पथ पर होंगे, दुर्गम दरों और पहाड़ों पर होंगे। चौथी संगीति ने ये द्वार खोल दिए हैं साम्राज्ञी। आप कितनी मूर्तियां बनवाने की सोच रहे हैं? साम्राज्ञी, मैं अब एक भी बनवाऊंगा तो ये संसार 1,00,000 बनवाएगा। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, जानती हो क्यों? नहीं। क्योंकि भगवान की वाणी 84,000 सूत्रों में सुरक्षित है। मेरी अभिलाषा है कि कुषाण 84,000 मूर्तियां जरूर बनवाए। मैं पूरे कुषाण साम्राज्य में विहार बनवाऊंगा, पुराने स्तूपों की मरम्मत करवाऊंगा और नए स्तूप बनवाऊंगा। भिक्षुओं को धम्म देशना देने के लिए दूर दूर तक भेजूंगा। यही मेरी बुद्ध, धम्म, संघ, अशोक, महेंद्र, संगमित्रा और धम्म सेनापतियों को श्रद्धा से भरी अंजलि होगी। भगवान आपकी अभिलाषा पूरी करे। मेरी दाढ़ी कांटों जैसी ना बनाओ। महाक्षत्रप और क्षत्रप के पत्र हैं शाह। बिहार बनवाने के लिए नया विभाग बनवाओ अभी से। नए अधिकारी का क्या नाम रखे हुवेश का? विहार कार्य है ना माथर। ठीक है। तक्षशिला से रोमन और ग्रीक शिल्पकार आ गए? हाँ शाह, पर क्या? भगवान बुद्ध का मामला है शाह, और शिल्पकार रोमन और ग्रीक है। मथुरा के शिल्पकार भगवान के 32 लक्षणों को बेहतर समझेंगे। माथर, भगवान सिर्फ हम भारतीयों के हैं, विदेशियों के नहीं। हमारे वेदांत में भेद अभेद है। गांधार, कपिश, वाहलीक में शिल्पकार और चित्रकार ग्रीक साम्राज्य के समय से आते जाते रहते आए हैं। वो विदेशी हो सकते हैं पर उनके हृदय भारतीय हैं। और बुद्ध मथुरा, गांधार और सभी शैलियों में आकार लें, यही तो संगीति की सफलता होगी। बुलाओ उन्हें। जी शाह। बुद्ध का शिल्प बनाने के लिए तुम्हें अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, क्यों माथर? मैंने अपने सिक्कों पर ग्रीक देवता हेलियोस, हेफेतोस, सेलेने, अनेमोस, पर्शियन देवता, द्रवस्पा, अतर, मैं, मित्र मजदा आदि सभी को खुदवाया।
पर मैंने अपना धर्म नहीं बदला। धर्म व्यक्तिगत होता है, और मेरे सिक्के इन देवताओं के कारण किसी ने ना लिए हो अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हंसी आ रही है तो हंस सकते हैं आप। मेरे सोने के सिक्के, मेरे चांदी के सिक्के, धरण, तांबे के कारशापण सभी बाजार में है। आत्म संस्कृति वैशिल्पानी, आत्मान मेवास्य तत्संस्कुर्वन्ति। शिल्प आत्मा के संस्कार हैं, इसलिए शिल्प मनुष्य की आत्मा को संस्कारित करता है। इसी जिम्मेदारी से आपको बुद्ध को शिल्प में आकार देना है। भगवान बुद्ध के 32 मुख्य और 80 अन्य लक्षण कहे गए हैं। उन्हें समझाने के लिए भिक्षु आपकी मदद करेंगे। उन्हें समझकर अपना श्रेष्ठ करें, मेरी शुभकामना आपके साथ है। और गलतियां होने पर आपके हाथ, पैर और गला नहीं काटा जाएगा। बेटा वहां ब्राह्मणों से ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा कर रहा है और पति यहां बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहे होंगे। विनय पिटक, अब मैं जैन ग्रंथ पढ़ने लगूं तो घर में वैदिक और अवैदिक साथ हो जाएंगे। चलो, इस बात से एक बात तो तय हुई कि इस घर में कोई बौद्ध हो ना हो पर सब बौद्धिक हैं। कहिए क्या हुक्म है? तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं। हो ही नहीं सकता आपसे यह गलती, हो ही नहीं सकती। अभय मुद्रा में बुद्ध मूर्ति कब दिखा रहे हैं? जल्दी। महायान ने बुद्ध को भगवान बुद्ध बना दिया। शाक्य मुनि बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध के रूप के सिक्के भी चल पड़े। तो उसमें गलत क्या है श्रेष्ठी? भग एव भगवान, भग ही भगवान है, यजुर्वेद तो यही कहता है। भग यानी ज्ञान, वैराग्य आदि आत्मगुण। और कुछ भी कहो, आज रेशम मार्ग पर भी बुद्ध की वाणी गूंज रही है, बुद्ध की प्रतिमाएं लग रही है। कश्मीर में जो कनिष्कपुर है वो नगर का रूप ले रहा है, देश में विहार बन रहे हैं, पुरुषपुर के पास जो पुराना स्तूप है उसे बड़ा किया जा रहा है। आज तक जो देखने में ना आया ऐसा स्तूप बन रहा है। सुना है कि यह नया स्तूप हमारे संसार की सबसे ऊंची इमारत होगी। किसने सोचा था कि बौद्ध भिक्षु संस्कृत को अपनाएंगे? अश्वघोष बुद्ध चरितम, सौंदरानंद काव्यम संस्कृत में लिखेंगे। क्या बात आई। महायान से स्पर्धा कहो या प्रेरणा, बुद्ध प्रतिमाओं की देखा देखी वैदिक और जिन देवताओं की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की भी बढ़ आ गई है। मथुरा और सांची के शिल्पकारों को तो जैसे नया जीवन मिल गया है। बुद्ध ने भारत को धम दिया और कनिष्क ने भारत को प्रतिमा में बुद्ध। Thank you.
मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं विश्क। मेरे पिता विम कैटफिसेस या दादा विम तक्तु ने कभी याद नहीं दिलाया कि मैं युचि हूं। हम कुषाण भारत के आए, भारत ने हमें अपना लिया और हम भारत के हो गए। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना हो इश्क, कि भारत की ये धरती हमारी बाँ है और हम इसके पुत्र। माँ बेटे का ये रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता है। हम सब एक माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और धरती के गर्भ में समा जाते हैं, और जब तक धरती पर सांस लेते हैं हमारी हर जरूरत ये धरती पूरा करती है। इसलिए हम इसकी उपासना करते हैं। सूर्य हमें ऊर्जा और प्रकाश देता है, इसलिए हम उसकी उपासना करते हैं। चंद्रमा हमें शीतलता देता है, इसलिए हम उसकी उपासना करते हैं। हमें जीवन देने के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उविष्क, सिंधु, गंगा, यमुना, कुभा, इन्हें अपनी माँ समझना। कभी वैदिक अवैदिक, ब्राह्मण बौद्ध में भेद ना करना। मेरे पिता शिव के उपासक थे पर सभी देवताओं का सम्मान करते थे। मैं बुद्ध का उपासक हूं पर मैंने सभी देवताओं का सम्मान किया। मैं जानता हूं कि तुम भी अपने दादा की तरह शिव के उपासक हो। यही भारत है। अपने अपने देवताओं में विश्वास, ये व्यक्तिगत धर्म है हुईश्क। पर एक धर्म और भी है जो इस धर्म के भी ऊपर है, और वो है राष्ट्र धर्म। ये धर्म ही शाहों को चलाता है और प्रजा का पालन करता है। इसलिए हमेशा याद रखना, राष्ट्र धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। यही भारत की संस्कृति है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये विश्व को वर्ण करने वाली श्रेष्ठ संस्कृति है। सबको स्वीकार करने वाली महान संस्कृति है। इसके अनुयायी बनना और इसकी रक्षा करना। तुम्हें बौद्ध बनना है, बौद्ध बनो। जैन बनना है, जैन बनो। शैव बनना है, शैव बनो। जो चाहो बनो, पर सबसे पहले भारतीय बनना। किस सोच में है पप्पा? सोच रहा था कि भला हो राजा धीराज कनिष्क का, जिन्होंने बुद्ध की मूर्तियां क्या बनवाई, हमारे सारे देवी देवता जागृत हो गए। पर महाराज, हुविश के शासन में तो भगवान शिव और भगवान स्कंद की मूर्तियां बन रही हैं। बुद्ध की भी, और भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की भी। महाराज कनिष्क भगवान बुद्ध के उपासक थे और महाराज हुविश भगवान शिव के। इसीलिए उन्होंने मिस्र, रोम और फारस के देवी देवताओं के अलावा अपने सिक्कों पर भगवान शिव और स्कंद के रूप को उकेरा। संसार का सृजन और
विसर्जन करने वाले भगवान शिव और दुष्टों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार देवताओं के सेनापति स्कंद। भगवान कार्तिकेय के लिए महाराज विष्क ने अपने सिक्कों पर लिखवाया है महासेना। बप्पा, राजा महाराजा अलग अलग देवताओं को सिक्कों और मूर्तियों में उकेरवाते हैं और हम शिल्पी भी तो सभी को समान भाव से पत्थरों में उकेरते हैं, फिर राजा और शिल्पी में अंतर कहां? तू ठीक कह रहा है बेटा, राजा महाराजा भी हमारी तरह शिल्पी होते हैं और होने भी चाहिए। जैसे हम शिल्पी सभी रूपों में अपने ही ईश्वर को देखते हैं और अलग अलग देवताओं के आकार को उकेरते हैं, क्योंकि यह हमारा धर्म है, वैसे ही राजा महाराजाओं को सभी में एक ही सच को देखना चाहिए, वो उनका धर्म है। मूर्ति पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस बात पर बहस तो वैदिकों में अवैदिकों में, हीनयान में महायान में, बौद्धों में ब्राह्मणों में चलती रहेगी। और जब जब इन बातों को लेकर हम आपस में लड़ पड़ेंगे, तब तब इन मूर्तियों के पीछे से कनिष्क, हुविष्क और कुषाण हम पर हंसेंगे। मैं यही सोच रहा था बेटा कि इतिहास में हजारों झूठ हो सकते हैं, पर एक बात सच है। क्या है वो सच बप्पा? दुनिया के सभी देवता कहीं एक साथ रह सकते हैं तो वह भारत है। Sa sa dani pa pa ga ma re sa ni sa da ni sa ga ma sa da ba da ni.